हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है ग्वार की फली की सब्ज़ी बनाने की। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और पराठे और पूड़ी के साथ तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ग्वार की फली की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये मैंने यहाँ पर 500 ग्राम ग्वार की फली ली है, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। 5 से 6 लहसुन की कली, इनको भी बारीक कट कर लिया है। 4 हरी मिर्च, इनको भी बारीक कट कर लिया है क्योंकि ये थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती हैं। 1 प्याज बारीक कट किया हुआ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन। इनको हम अजवाइन में ही बनाते हैं जिससे कि इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं क्योंकि ये थोड़ी सी पचने में हैवी होती हैं। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें आप अपना खाना बनाते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ और 1 चुटकी हींग। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें जो हमने फली धो के ली हैं इनको डाल देंगे। इनको थोड़ा उबालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो रेशे होते हैं, जब तक आप उबालेंगे नहीं वो रेशे अच्छे से निकलते नहीं हैं, फिर मुंह में फंसने लगते हैं। तो इनको हम थोड़ा उबालेंगे तभी रेशे अच्छे से निकलेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 गिलास पानी। कुकर का ढक्कन लगा के इसको गैस पे रख देंगे। प्रेशर कुकर को हमने गैस पे रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं, हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने देते हैं। प्रेशर कुकर में 1 सीटी आ चुकी है, गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और जैसे ही सीटी आएगी वैसे ही गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम इसका प्रेशर निकाल देंगे तुरंत ही। हमने इसका प्रेशर निकाल दिया है, इसका ढक्कन खोल लेंगे। और यहाँ पर हमने एक चलनी ले ली है, उसके नीचे एक बर्तन लगा लिया जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। इन फलियों को हम इसमें चलनी में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो हमने पानी डाला था 1/2 गिलास वो नीचे निकल गया है। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हमने एक और प्लेट ले ली है, अब इन फलियों के हम रेशे निकालेंगे। इस तरह से देखिए, हम एक फली लेंगे और यहाँ से ये देखिए दोनों साइड से हम इसका कॉर्नर से निकाल देंगे। ये देखिए, ये रेशे हमें निकाल के अलग करने हैं। और इस तरह से आप जितने बड़े पीस इसके रखना चाहें इस तरह से तोड़ेंगे तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से रेशे निकलेंगे। ये देखिए, इनको हम इस तरह से हाथ से हटाते जाएंगे। जो फली हम साफ करते जाएंगे दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे। एक और देखिए, ये इस तरह से, अगर आप इनको साफ नहीं करेंगे तो जब आप इनको बनाएंगे तो ये मुंह में फंसने लगते हैं। ये देखिए, और फिर आपको जितने बड़े इनके पीस रखने हैं उतने आप रख सकते हैं। जब आप तोड़ेंगे तो जो रेशा आपको दिखाई देगा इसको हटाते जाएंगे। और देखिए एक और, ये देखिए, ये देखिए, आप ऐसे नाइफ की हेल्प से भी इसके कट कर सकते हैं। ये देखिए, जब आप बीच से तोड़ेंगे तब भी इसमें रेशा निकलेगा। तो इस तरह से हम अपनी सारी फलियां रेशे निकाल के पीसेस करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अपनी सारी फली इस तरह से रेशे निकाल के साफ करके तैयार कर ली हैं। आप इनके छोटे पीस करना चाहें तो छोटे कर सकते हैं और इस तरह से बड़े रखना चाहें तो बड़े रख सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहें। ये देखिए, 500 ग्राम फली में से कितने सारे रेशे इसमें से निकले हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर।
अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसको गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें जो हमने ऑयल लिया है उसको डाल देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम हींग, अजवाइन, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है और इसको हम भून लेते हैं जिससे कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज अच्छे से भुन गई है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मिर्च का यूज आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं। जैसे ही हमारे मसाले भुनते हैं हम इसमें जो हमने फली तैयार की हैं इनको डाल देंगे। फली हमने पहले से ही उबाल रखी हैं तो इन्हें हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम अभी हमने लो कर दी है, हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए साइड से लेते हुए हम इनको चलाएंगे जिससे कि ये टूटेंगी नहीं, क्योंकि ये उबली हुई फली हैं। आप इन्हें बीच में से लेके चलाएंगे तो ये टूटने लगेंगी। ये देखिए अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, मिक्स कर लेते हैं। हम इनको दो तीन मिनट फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम दोबारा से मीडियम कर देंगे और इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम पलटते रहेंगे। दो से तीन मिनट इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जिससे कि मसाले फलियों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। फली की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है, इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए अब इसमें हम ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर। आप आमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप साइड से लेते हुए ही इसको चलाएंगे। ये देखिए इस तरह से गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हम बारीक कटा हरा धनिया और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ग्वार की फली की सब्जी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी रेसिपी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।